One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इसको कहते हैं ना बंगाल के लिए कि बंगाल हैज ओनली कम फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर. वो तवे के ऊपर जल रहा था, अब ममता बनर्जी जब आई तो वो तवे से निकलकर आग में ही घुस गए. बंगाल की ये परिस्थिति है, जलना उसके भाग्य में लिखा है. बंगाल और केरल दो भारत के ध्रुव, वो ध्रुव देखिए जहां धर्म अध्यात्म महानता ज्ञान की गंगा और नदी में, वहां आज लेफ्टिस्टों ने जिस प्रकार से ध्वस्त कर दिया है. दुर्गा पूजा आरंभ होने वाला है, दुर्गा पूजा में विसर्जन नहीं करने देंगे, दुर्गा पूजा में विसर्जन नहीं करने देंगे, विसर्जन पे रोक लगेगा. मां एक दिन ऐसे ही इंतजार करते रहेगी क्योंकि मुहर्रम है. अरे भैया, अगर मुहर्रम है, आप इतने अच्छा संगठक है, आप इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो दोनों को साथ चलने दीजिए ना. कानून की व्यवस्था को इस प्रकार से दुरुस्त करिए कि दोनों भाई भाई बनके चले. आपने कैसे तय कर दिया कि कानून की व्यवस्था इतनी खराब है कि दोनों साथ नहीं चल सकते हैं? फिर आप सरेंडर कर दीजिए. आप कहिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, आप कहिए कि परिस्थिति बंगाल में ऐसी हो गई है कि आज राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का त्योहार एक साथ मनाया नहीं जा सकता है, दुर्गा माता का विसर्जन हो नहीं सकता है, इसलिए मैं सरेंडर करती हूँ, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए. नहीं साहब, विषय तो वो नहीं है ना. विषय यह है कि किस प्रकार हिंदुओं को नीचे दिखाना है और 27% वोट बैंक को खुश करना है, तुष्टिकरण करना है. हर बार हाईकोर्ट मना करती है. माननीय मोहन भागवत जी का भाषण होना है, माननीय अमित शाह जी का भाषण होना है, आप ग्राउंड नहीं देंगे. हर बार कोर्ट ग्राउंड दिला देगी, फिर भी ये मना करेगी. क्यों? क्या इनको समझ नहीं है? क्या ममता जी को समझ नहीं है? अरे ममता जी को समझ पूरी है, ज्यादा समझ है. वो लोगों को बोले देखो, मैंने तो कैंसिल कर दिया, आपको अपने कर दिया, मैं क्या करूं? तो 27% जनता को खुश करने का प्रयास. मैंने तो कैंसिल कर दिया, भले कोर्ट मेरे ऊपर कितने भी बौछार करती रहे, मैंने कोर्ट की याओ न सुनी न ताओ सुनी, मैंने कर दिया. अब कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, मैं क्या कर सकता?